राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस जन्माष्टमी पर मैं लड्डू गोपाल जी की झांकी में एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगी। उस गार्डन में जैसे नॉर्मली बच्चों के झूले होते हैं, वैसे ही झूले बनाऊंगी। इस तरह का मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आगे भी वीडियो अपलोड करती रहूंगी जन्माष्टमी की डेकोरेशन से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये मैंने साइज़ इस पे लिखा हुआ है कार्टून का, इस तरह से पीस कट कर लिया है। इसका मैंने चौकोर पीस साइज के साथ आपको दिखा रही हूँ, कट कर लिया है। अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में कट करना है। इस तरह से आप पेंसिल से ड्रॉ करके कटर की हेल्प से कट कर लीजिए। और इस ट्रायंगल शेप के हमें चार पीस बनाने हैं। उसके बाद ये चौकोर साइज में पेपर कट किया है और इसको हमने इस तरह से रैप कर दिया है वाइट पेपर में। और उसको हमने रेड पेपर में रैप करने के बाद ये दो ट्रायंगल है इनको आपस में चिपका देंगे पहले। और इन ट्रायंगल पे मैं येलो कलर का पेपर यूज़ करूँगी चिपकाने के लिए। तो इसके लिए आप इसको अगर पूरा कवर करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, बट मैं साइड में सिर्फ ये कॉर्नर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को ये इस तरह से ही अच्छा लग रहा था। देखिए, इस तरह से हम तीनों साइड में चिपका देंगे। इसका तीनों साइड है ये इस तरह से कवर कर लिया है हमने। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है वो कट कर लेंगे। और इसको कॉर्नर को भी अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये सो नहीं हो, दिखता नहीं रहे, फिनिशिंग दिखे इसमें। अब इसके तीनों कॉर्नर है उनको हम कट कर लेंगे। ये हम सीसो बना रहे हैं। आपने गार्डन में बच्चों के लिए जो होता है वो देखा होगा, उसी तरह का हम अपने कान्हा जी के लिए भी बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है, और भी जो मैं जन्माष्टमी की झांकी से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनाऊंगी वो मैं आपको वीडियोस में दिखाती रहूंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से ये मैंने पूरा रेडी कर लिया है। चारों पीस को हम सेम इसी दोनों पीस को हम सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने ये पहले पिन से होल किया था, उसके बाद जो टूथपिक आती है उससे थोड़ा सा मोटा होल कर लिया है ताकि ये इजीली इसके इन दोनों के अंदर आ सके। और सेम उसी तरह से इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने ये भी पहले पिन से होल किया था, उसके बाद टूथपिक की हेल्प से इसको थोड़ा सा मोटा कर लिया है। अब हम इसमें एक में टूथपिक एंटर करेंगे। उसके बाद जो ये बीच वाला स्लाइड बना हुआ है इसमें हम ये इस तरह से एंटर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम उधर से एंटर करेंगे। इतना सिंपल तरीके से बनाया हुआ है और उतना ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये बना हुआ। आपकी झांकी बिल्कुल यूनिक लगेगी। आपने आज से पहले इस तरह की झांकी में झूले कभी नहीं देखे होंगे, जबकि आपको पता है लड्डू गोपाल जी को भी बच्चों की जो चीज़ें होती है वो ज़रूर पसंद आएगी। आप इस जन्माष्टमी पर ये ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, हमारा झूला बनकर रेडी है। अब हमें ये जो साइड में पकड़ने वाला होता है वो बनाया है। ये मैंने फ्रूट जो जिसमें पैक किया हुआ रहता है वो यूज़ किया। आप इसकी जगह स्ट्रो भी यूज़ कर सकते हैं। हम जस्ट इसको इस तरह से चिपका देंगे। स्ट्रो भी बिल्कुल ईजीली मुड़ जाती है तो हम उसको भी रख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे कान्हा जी के लिए एक और झूला बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।